एपिसोड की शुरुआत होती है सरस से। वह बहुत गुस्से में होता है। तब सनी पूछता है, बताना दोस्त क्या हुआ। सरस कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ मैं। उधर कुमुद की फैमिली अपने घर पहुँच जाती है और कुमारी सरस की बड़ाई करती है। सरस अपनी डैड के पास पहुँच कर कहता है, यहाँ पर मैं गरीब बच्चों के लिए विंग बनाऊँगा। उधर कुसुम कहती है, जवाब तो दे दिया ना दी, अब तो माँ बापू को बता दो। तभी वहाँ कुमुद की माँ आ जाती है। कुमुद की माँ कुमुद से पूछती है, क्या हुआ बेटा, वो पसंद आया। कुमुद रोती हुई कहती है, नहीं माँ, बहुत ही स्वार्थी है वो। माँ, मेरा सपना टूट गया, और गले लग जाती है। कुमुद की माँ कहती है, मैंने चिट्ठी पढ़ ली, तूने बताया क्यों नहीं। कुमुद कहती है, डरपोक है वो माँ, उसे हक नहीं हमारी बेइज्जती करने का। कुमुद की माँ कहती है, तुझे अपने बापू सा को बता देना चाहिए, वो तेरा ही साथ देंगे। लक्ष्मी नारायण सरस से कहता है, तुझे वेगस जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी मीटिंग अरेंज हो गई है। सरस कहता है, मैं जानता हूँ डैड, मेरी उस लड़की से बात हुई। लक्ष्मी नारायण कहता है कुमुद से, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चेहरा कभी नहीं पढ़ पाया। सरस कहता है, आपने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। तभी लक्ष्मी नारायण को फ़ोन आ जाता है और सरस वहाँ से चला जाता है। सरस कुमुद की यादों में खोया रहता है। तब सनी कहता है, गुजरात जाने में मज़ा तो आएगा मुझे। तब सरस टैबलेट लेकर कुमुद के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक स्कूल टीचर है, और वह कुमुद की लिखी शायरी पढ़कर मुस्कुराता है। तब सनी कहता है, तेरा हाल देखकर मुझे लग रहा है तू वेगस की फ्लाइट को गुजरात घुमा देगा। उधर कुमुद की बड़ी माँ यश को फटकार लगाती है तो यश कुमारी से बदला लेने के चक्कर में उसके ऊपर पानी डालता है तो पानी नीचे रखी तस्वीर पर गिर जाता है। कुमुद गुस्से से कहती है, मेरी तस्वीर खराब कर दी तुम दोनों ने। कुसुम कहती है, फेंको ना दीदी इसे, क्या रोती रहोगी इसके लिए। तभी कुमुद को एहसास होता है कि सरस आ रहा है। सरस की भी एंट्री होती है कुमुद के घर पर। सभी लोग सरस का स्वागत करते हैं। विद्या चतुर कहता है, बेटा बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे यहाँ आने से। कुमुद छुप कर सरस को निहारती रहती है। तब सरस कहता है, आप हो मेरे विद्या चतुर काका और आप मेरी मौसी माँ, और उनके पैर छूता है। कुमुद सरस को देखने के लिए छुप छुप कर देखने की कोशिश करती है। विद्या चतुर सरस को लेकर अपने बाबूजी के पास जाता है। तब सरस को कुमुद की एक झलक दिखाई देती है। सरस कुमुद के दादाजी को नमस्ते करता है। तब बाबूजी कहते हैं, कुमुद के कमरे में इनकी रहने की व्यवस्था करें। कुमुद की माँ कहती है, ठीक है बापूजी। उधर सारी लड़कियां सरस को छिप छिप कर देखने की कोशिश करती हैं। तब सरस उन लड़कियों में से कुमुद को ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगले एपिसोड में देखते हैं कि सरस कुमुद का चेहरा देख पाता है या नहीं।